मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय में होने वाले चुनाव की कमान अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाली है, जिसके चलते एक के बाद एक चुनावी सभा कर भाजपा को जिताने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंडला जिले के बिछिया पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिछिया बाईपास की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मंडला जिले के बिछिया में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान परिषद के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बिछिया बाईपास की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण कर पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। इस दौरान भाजपा जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बताओ कांग्रेस काम कर सकती है क्या? अरे जोर से बताओ, कर सकती है क्या? और वैसे भी कांग्रेस तो टूट रही है भैया, पैदल घूम रहे हैं और लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, अध्यक्ष भी नहीं मिला उनको। तो कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ये टुकड़े तो इधर और उधर जा रहे हैं और आपस में फूटम फाट मची हुई है। एक आगे बढ़ता है तो दूसरा टांग पकड़ के उसको खींचता है और कहता हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। तो कांग्रेस का हाल, इसे कांग्रेस भला नहीं कर सकती। एक तरफ ये विकास की योजनाएं और दूसरी तरफ जनता के कल्याण की योजनाएं। एक बात में नौजवानों, मेरे बेटा बेटियों को कह रहा हूं, मेरे बच्चों, इसी महीने 1,00,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रारंभ हो जाएगी, उनका पूरा। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की घोषणा को जुमला बताया। कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पट्टा ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले चुनावी वादे तो भाजपा सरकार ने पूरे नहीं किए, वहीं अब नगरीय चुनाव में वादे किए जा रहे हैं। आपकी मांग हम काफ़ी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं क्योंकि व्यवस्था के लिए, लेकिन हमें हमेशा निराशा हम और उसी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने 21 जनवरी 2018 में एक घोषणा की थी आपको हब से कि हम गुरुजी को व्यवस्था देंगे, लेकिन आज तक 4 साल हो गए प्रगति में हुई उसी भी मानने के लिए। हम 4 साल से लगातार प्रयासरत थे, लेकिन आज तक हमारी मांगों को कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि मामा जल्दी चुनाव आ रहा है, जल्दी ध्यान दे देते तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग यदि नाराज़ हो जाएंगे तो मामा के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, कुछ तो प्रभावित कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बात ना हो और हमें व्यवस्था मिल जाए और मामा भी खुश रहे और हम भी खुश रहें। गुरुजी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरुजी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहुंच जाते हैं, ये इनकी फितरत में है और पहुंच करके लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके चले जाते हैं। जैसे आज बिछिया नगर परिषद के चुनाव को लेकर के ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार बिछिया नगर परिषद के चुनाव में आकर के इन्होंने फिर से जो 10 साल से ठगते आ रहे थे, झूठ बोलते आ रहे थे, वो आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के जो पिछले चुनाव में घोषणाएं किए थे वो घोषणाएं आज तक पूरे नहीं हो सके, उन्हीं घोषणाओं को आज आकर के फिर से जो है नगर बिछिया के मतदाताओं को, प्रबुद्ध जनों को ठगने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं
जो आज मंच से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अगर यही बातें जमीन पर हकीकत दिखाई देते तो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ के मतदाता नहीं होते। मतदाताओं ने तय कर लिया है कि 27 तारीख को कांग्रेस पक्ष के पार्षद प्रत्याशियों के हित में या पक्ष में वोट करेंगे, और इस बार मन बना चुके हैं कि नगर परिषद बिछिया में बदलाव होगा, क्योंकि जो पिछले झूठे वादे थे, जैसा कि आज मंच से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले समय बाईपास को लेकर के घोषणा की है, जिसको मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, मैंने जब रामनगर आए थे तो मैंने पत्राचार किया था उनके पास, और गवर्नमेंट का सदन में जब झूठ बोल सकता है मुख्यमंत्री तो चुनावी सभा में तो उनको महारत हासिल है। उन्होंने पिछली बार घोषणा करी थी, आज स्वीकृति दे करके जा रहे हैं। पिछली बार उन्होंने बिछिया का पुराना तालाब, शिवशंकर मंदिर तालाब को भी का भी सौंदर्यकरण करने के लिए कहा था, आज फिर उसी घोषणा को दोहराया। उन्होंने एनीकट में घोषणा की, एनीकट बनाने की घोषणा किया था, आज फिर उस एनीकट को बनाने की घोषणा की है। इस तरह से जब जब फिलहाल देखना होगा कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़े मुकाबले में मतदाता किसे अपना आशीर्वाद देते हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।